तो वहीं डीग उपखंड के गांव घरवारी में सिंचाई विभाग का क्षतिग्रस्त और जर्जर पुल बड़े हादसे को न्योता दे रहा है, लेकिन अधिकारी मूक बधिर बने बैठे हैं। बता दें कि बदनगढ़ पंचायत का घरवारी गांव, जहां से गोवर्धन परिक्रमा के लिए दौसा, लालसोट, जयपुर, महुआ सहित दूर दराज से पैदल पद यात्री और परिक्रमार्थी पूंछरी के लिए जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही आसपास के गांव के लोगों का आवागमन भी इसी पुल से होता है। वहीं ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत के लिए सरपंच से लेकर उपखंड अधिकारी तक और कई बार हुई जनसुनवाई में भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सिंचाई विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज हमारे साथ डीग से जुड़े हुए हैं। पंकज, घरवारी गांव का ये पुल जो हादसों को न्योता दे रहा है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, तो ये जो पुल है इससे कितना आवागमन रोजाना होता है, कितने लोगों की निकासी यहां से होती है, और अगर ये पुल क्षतिग्रस्त तो हो गया है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है? इस मामले में बताना चाहूंगा कि यह पुल क्षतिग्रस्त है, जो जर्जर है, ये 1-2 महीने की बात नहीं, ये करीब कोरोना काल से भी पहले से भी क्षतिग्रस्त पड़ा है, जी जिसको स्थानीय ग्रामीणों ने ये प्लास्टिक के कट्टों, मिट्टी भर भर के अपने स्तर पर ही इसको दुरुस्त किया, जिससे आवागमन बना रहे। वही मैं बताना चाहूंगा कि इसके इस रास्ते से सैकड़ों लोग, तो आसपास के लोग निकलते ही हैं। बाकी परिक्रमा का जब मौका आता है गोवर्धन की, तो पूंछरी नजदीक पड़ता है यहाँ से, तो शॉर्टकट रास्ते से निकलने की वजह से दौसा, लालसोट, इधर सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इधर से भी भरतपुर तक के ये लोकल आदमी और दूर दराज के लोग भी परिक्रमा के लिए यहाँ से निकलते हैं, पदयात्री। जी तो और वहीं पे काफी जो है यहाँ पे किसानों के ट्रैक्टर भी कई बार इसमें फंस चुके हैं और हादसा भी हो चुके हैं, उनके चारे का नुकसान, ट्रैक्टर ट्रॉली में नुकसान, और कई बार तो बच्चे बच्चे लोग भी बच चुके हैं। वहीं बताना चाहूंगा कि लोगों ने कई बार इसकी शिकायतें उपखंड स्तर पर की हैं और ग्राम पंचायत में उनकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं खास बात यह है कि जन सुनवाई भी हो चुकी है, इनमें इनमें भी प्रार्थना पत्र इसकी मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं एक खास बात ये भी रही है कि यहाँ डी के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने भरतपुर डिवीजन का डिवीजन, कोई कुमेर डिवीजन का, ऐसे बताते हुए पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी, कई बार कौन ट्रैक्टर सी फंस गई खबर? है इसके अंदर, और ये बहुत खतरनाक है रो का, इसमें आदमी मर सकता है, एक आदमी पुल टूटे पर। कई गांवों का रास्ता है ये, परकम्मा तक का रास्ता, जयपुर तक का रास्ता है ये, यहाँ पर है कि आदमी, कोई घटना घट गई तो बहुत लंबी बात पड़ जाएगी फिर इसमें। पंचायत सुन नहीं ना कोई और सुन लो, कोई सुनवाई ना है इसकी, कई सालों से इसका काम बिगड़ा हुआ पड़ा है, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं बहुत खतरनाक मामला बन रहा है। कोई ना कोई पशु जा रहे हैं इस पे के, ट्रैक्टर जा रहे हैं, गाड़ी भी जा रही है, इनमें कोई खतरा है ऐसा।